हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था, स्पीडमैन ने हमारे ट्रेवर को कितना ज्यादा पीटा, बेचारे को पीट पीट के। सच में इसका तो बहुत ही बेकार इलाज कर दिया हमारे भाई ने। फिर हमने भाई पार्टी भी करी उसको पकड़ने के, हमने दो बार प्लान करे तो वहां पर भी हमारा प्यारा भाई आया और ड्राइवर को सच में काफी बुरा उसने पीटा। अच्छा माइकल वहां पे नहीं था, नहीं तो माइकल भी काफी पीटता। तो भाई हमारा वो वाला प्लान भी बेकार हो चुका है, मतलब कि माइकल की पार्टी जो हमने नकली वाली करी थी। हमने सोचा था वहां पे मिलिट्री वाले बंदे उसको मार देंगे, भाई कोई उनको नहीं मार सकता जल्दी से। इसलिए मैंने सभी को बोल दिया अपनी टीम को, भाई अभी उनसे लड़ेंगे नहीं, अभी मैं बनाने वाला हूँ अपनी पूरी खुद की टीम, जिससे अपना भाई सारा का सारा काम हो जाएगा। मैंने बोल के रखा टेस्टर जी को और अपने प्यारे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को, दोनों को दोनों जल्दी से पहुंच जाओ कैरिज में, तुम्हारे लिए मैं सामान लेकर के आने वाला हूँ। तो भाई टेरी को मैंने बोल के रखा कि भाई कुछ ना कुछ बंदों को पता लगा, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे सारे अभी भी नहीं मिले जिन्होंने काम करके रखा है इन सभी बंदों पे। तो उनके रिसर्च पेपर मेरे को लेकर के आने हैं, मतलब कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं पे तो लिख के रखा ही होगा आखिर क्या क्या चीजें इन बंदों को दी गई है, कैसे इतने ज्यादा स्पेशल बन के रखे हुए हैं। बस एक बार मेरे को पेपर्स मिल जाए या कोई भी फाइलें मिल जाए उनकी रिसर्च की, तो अपने प्यारे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और आपको पता है टेस्टर जी में इतना दम है दोनों में, आराम से दोनों खुद ही बना सकते हैं सभी एक्सपेरिमेंट को। तो अभी मेरे को टेरी ने एक जगह बोली, टेरी को शक हुआ कि ट्रेवर भाई मैंने वहां पे कुछ साइंटिस्टों को देखा है उसी जगह पे, आप वहीं पे जाकर के चेक करो, क्या पता आपको पेपर्स वहीं पे मिल जाए। भाई एक बार पेपर्स मिल जाएंगे ना फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर तो 2-4 घंटे में हमारे दोनों टैलेंटेड बंदे आराम से मेरे लिए एक सुपर हीरो बनाई देंगे, और फिर देखते हैं भाई कौन सा सुपर हीरो जीतेगा, अपना ड्राइवर का या अपने अपोजिट पार्टी वाले। वैसे अपना ड्राइवर का ही जीतेगा सुपर हीरो, भाई कोशिश तो यही करेंगे, बट देखते हो तो बाद में क्या होने वाला। फिलहाल तो मैं जगह पे चलता हूँ और देखते हैं मेरे को पेपर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक शो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सर्ट कर, तो भाई वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो के लाइक्स का एम है 25,000, जल्दी से आगे उसको पूरा करा दो। अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जीटी की वीडियो डालता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाला है। भाई पहुंचता हूं जल्दी से जगह पर, भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूं। इस वाले बेस पे शायद से मैं पहले भी एक बार आ चुका हूं, जब तक तो मेरे को यहां पे कुछ नहीं मिला था और मैंने तो ध्यान से भाई फोकस भी नहीं करा था चीजों पे, क्योंकि पहले मेरे को पता नहीं था रिसर्च के पेपर्स के बारे में। अब की बार मैं हर एक चीज तसल्ली से देख करके जाऊंगा, यहां पे सारा सामान तो रखा हुआ है। अच्छी बात यह है अब की बार भी यहां पर बंदे नहीं है, चले तो फिर इन सभी को दोबारा से मारना पड़ता। तो एक काम करता हूं, अपनी गाड़ी को ना थोड़ा आगे की तरफ खड़ी कर देता हूं, उसके बाद फटाफट से पूरी की पूरी जगह चेक करता हूं। बस मेरी प्यारी फरारी, भाई फरारी के लिए भी रास्ता नहीं है, बंदों ने ऐसी जगह पे घर बना के रखा है, मतलब ये बेस बना के रखा है, यहां पे बंदे आते कैसे होंगे यार, आने का सही से रास्ता भी नहीं बना के रखा। यहाँ पे तो बाइक भी ज्यादा अच्छे से आया जाएगा, गाड़ी लाने का तो मतलब ही नहीं है, वो तो हमारा ड्राइवर ही लेकर के आ गया। तो भाई फटाफट से नीचे जाकर के मैं चेक कर लेता हूँ, देखते हैं भाई यहाँ पर ही मेन जगह थी और यहाँ पे ही सारा सामान रखा हुआ था लास्ट टाइम पे, और अभी भी सामान यहीं पे रखा हुआ है। इसका मतलब उस दिन के बाद यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया, नहीं भाई एक प्यारा प्यारा टकला यहाँ पे आके रखा हुआ है, अरे भाई मजा आ गया। चलो लास्ट टाइम ऐसे यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला था, अब की बार मेरे को एक प्यारा सा बंदा मिल गया, इसको आराम से काम करने दो। इसको पता ही नहीं चला इसके पीछे ड्राइवर खड़ा हुआ है, मैं फिर भी पूरी पूरी जगह देख लेता हूँ। अगर मुझे पेपर्स मिल गए रिसर्च के तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बंदे को पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो भाई फिर थोड़ा सा बेचारे को पीटना पड़ेगा। चेक कर लेता हूँ पूरे एरिया में, वैसे यहाँ पे वेपन्स ही रखे हुए लास्ट टाइम मैंने देखा था, फिर भी देखते भाई ड्राइवर क्या पता कहाँ पे क्या चीज मिल जाए। सामने लैपटॉप भी ऐसे रखे हुए हैं, क्या पता उनमें फाइल हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो देख ले तो भाई अपने हिसाब से मैं जो चीज देख सकता हूँ। भाई मैंने पूरा का पूरा एरिया चेक करा, यहाँ पे मेरे मतलब ही कुछ भी चीज नहीं है। हेलो चाचा क्या हाल चाल है, चुपचाप चुपचाप नीचे बैठ जा रहे भाई, तुम भागने की कोशिश कर रहा है, सीधा कर दूंगा अभी भी इतना दम है यार बंदे में, देखो तो सही। अरे यार 3 गोली मार दी मैंने, कितना खाएगा। लगता है भाई अब बंदे के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है 3 गोली लगने के बाद, और बंदा फाइनली बेहोश भी हो चुका है। अभी इसको उठाता हूँ, थोड़ी देर में इसको होश आ ही जाएगा, फिर इससे पता करता हूँ रिसर्च के पेपर मेरे को दे दे मेरे भाई, नहीं तो बहुत बुरा मारूंगा, देखते क्या बोलेगा। भाई हमारे प्यारे गंजे बाबा खड़े हो चुके हैं, ये मेरे को बोले ड्राइवर भाई मैं किसी बारे में नहीं जानता, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया था, मैंने देखा इतना मस्त बेस है, इतने सारे कंप्यूटर्स है, मैंने सोचा क्यों ना इस बेस पे कब्जा कर लूं, मैं आराम से यहाँ पे सोच रहा था अपने लिए काम करना शुरू कर देता हूँ। देख लो भाई बंदे कितने चलाक होते हैं, मतलब खाली जगह देखी और उसको कब्जाने के लिए आ गया। अरे टकली बाबा चल जा अपना इलाज करवा ले, 3 गोली फ्री में मैंने तेरे पेट में मार दिया। अच्छा वो पूरा नहीं मारा, सर पे गोली नहीं मारी। भाई मैंने फ्रंट वाले कंप्यूटर्स भी चेक कर लिए, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और टेरी के हिसाब से यहाँ पे उसने साइंटिस्टों को देखा है, तो फिर भाई इसका मतलब रिसर्च पेपर अपने साथ में लेकर के चले गए होंगे। चलो यार फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो पता करेंगे, आज मेरे को अपना प्यारा प्यारा सुपर हीरो बनाना ही है, चाहे भाई मेरे को कैसे ही बनाना पड़े, कहीं ना कहीं से तो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आऊंगा। पेपर्स मेरे को चाहिए रिसर्च के, पता तो चले आखिर उन्होंने क्या ऐसी चीज बनाई है जिससे ये बंदे इतने खतरनाक बन चुके हैं। तो भाई यहाँ पे एक बस भी खड़ी हुई है, जब लास्ट टाइम शायद से मैं आया था ना तो यहाँ पे कोई बस नहीं थी, आज यहाँ पे बस खड़ी हुई है, तो साइंटिस्ट खारे सारे बस में भर के आए थे का, बट बस यहाँ पे लेकर कैसे आए भाई कैसे? और भाई मैं बस ये जानता भी हूँ बस कहाँ से मिलती है, मतलब कि सारे सारे इस बस का स्टैंड कहाँ पर है, वहीं पे निकलता हूँ और बातें करता हूँ जाकर के, क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा मेरे को जैसे बंदों की खुद की पर्सनल बस हो, ये भाई एक पब्लिक बस है
तो बंदों ने इसका मतलब बस को कहीं ना कहीं से लिया होगा भाई किराए पे। अभी जरा मैं चेक कर लेता हूँ ये बस आई कहाँ से, किसके नाम पे मिली है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, यही वाला बस स्टैंड में जहाँ पे उसी टाइप की बसेस मिलती है। अभी जा करके चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे बस भाई कोई भी आकर के आराम से ले सकता है, अगर आपको कहीं पे भी इसको लेकर के जानी है बंदों के साथ, तो यहाँ पे आराम से किराए पे बस मिल जाती है हमारे शहर में। तो मैं चेक कर लेता हूँ, पीछे बंदा एक खड़ा होकर आराम से सिगरेट पिए जा रहा है, इसका मतलब शायद से वो बंदा यहाँ का मैनेजर हो सकता है। जाकर के फटाफट से बातें करता हूँ कि भाई मेरे को एक बस मिली है, मैं इसको बस का कलर भी बता देता हूँ कि आप वाली जो बस है उससे उसका कलर बहुत ही डिफरेंट है। मैं इसको सारी बातें बताता हूँ, देखते हैं फिर मेरे को क्या बताने वाला है। भाई मैंने बंदे से बातें कर ली है, ये मेरे को बोल रहा है कि ठहर भाई वो बस हमारी है, हम भी तो बोले बस आज तक वापस क्यों नहीं आई है। कुछ दिन पहले बंदे बस को लेकर गए थे, वो VIP बस है ट्रेवर भाई, ये तो नॉर्मल बसेज है, वो जो बस है वो VIP बस है, उसके ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ऐसी बस हम कई और पे खड़ी करते हैं, हमारी वो बस है। कुछ साइंटिस्ट आकर के लेकर गए थे, मेरे को अभी तक याद है, मैंने देखा था कुछ साइंटिस्ट उसमें गए थे यहीं से बैठ करके, तो इसलिए मेरे को याद है क्योंकि साइंटिस्टों ने बस ली थी। ट्रेवर भाई पहली बार मैंने ऐसे देखा, मैंने पहली बार ही सुना है भाई साइंटिस्ट गए बस में भर के, और ये बोल रहा है बुकिंग की गई थी एक साइंटिस्ट के नाम से, और उन साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट न्यूटन, ये मेरे को ऐसा बोल रहा है। और हमारे साइंटिस्ट न्यूटन जो है ना वो फिलहाल अभी मिलने वाले ह्यूमन लैब में, क्योंकि उनको जानता है वो वहीं पे जाकर के काम करते हैं। तो ये भाई मेरे को लगता नहीं है कि ये यहाँ का मैनेजर है, ये तो मेरे को लगता है कहीं का डिटेक्टिव है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लगता है तो बड़ा कमाल का बंदा है यार। मतलब मेरे को टेरी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारी बातें इसने मेरे को बता दी। कोई न्यूटन नाम का अपना साइंटिस्ट होगा, तो उसी के नाम पे बुकिंग करी गई थी बस की, और यहीं पे आए थे साइंटिस्ट और सारे सारे बैठ करके चले गए बस में, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी बस, ये तो बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। भाई मैं लैब में पहुंच चुका हूँ, और देखो अभी यार यहाँ पे एकदम से नहीं जाते, क्या पता कौन बंदे मेरे ऊपर गोली चलाना शुरू कर दे, इसलिए मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं वॉच को यूज करूंगा। ट्रेवर भाई फटाफट से वॉच को यूज कर ले, अरे भाई ये मरना चाह रही थी मेरे आगे आकर के। फिलहाल चलो मैंने वॉच को यूज कर लिया है, अपनी कार को यहाँ पे ही पार्क कर दूंगा, क्योंकि भाई न्यूटन जो है ना वो दुश्मन पार्टी का बंदा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैरी वेदर वाले बंदे कुछ हो सकते हैं जो उसके ऊपर नजर रखते होंगे, इसलिए उसको आराम से चुपचाप से मेरे को जाकर के दबाना पड़ेगा। और वहीं पर उससे पूछूंगा, न्यूटन जी प्लीज बता दो ना रिसर्च के पेपर कहाँ पे है, क्योंकि आपको देखा गया कैमराज में, तो इसका मतलब वहां पे जो बहुत सारे साइंटिस्ट गए थे ना उस जगह पे जहां पे मैं बस देख करके आया हूँ, तो न्यूटन भी वहां पर था। बस काश यार मेरे को बता दे इनके पेपर्स कहाँ है रिसर्च के, बस फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इन बंदों से कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे दो जो खमाल के बंदे ना, अपना प्यार टेस्टर जी और अपना प्यार डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, वो खुद ही बना देंगे, बस पेपर्स मिल जाए, क्योंकि यार ये नहीं पता ना चीज किस चीज से बनाई गई है, मतलब कि क्या क्या चीजें बंदों के अंदर डाली है, बस ये पता चल जाए फिर तो अपना काम हो जाएगा, फिर होगी बराबर की लड़ाई, देखते फिर कौन जीतेगा। भाई मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है, मतलब सारे के सारे जो गार्ड्स है ना वो बाहर है, यहाँ पे सारे के सारे साइंटिस्ट ही काम करने में लग रहे हैं। तीन यहाँ पे बंदे हैं, दो बंदे पीछे खड़े हुए हैं, तो देखता हूँ भाई इनमें से न्यूटन कौन से वाला बंदा होने वाला है। बस काश ये बंदे, एक काम करता हूँ तो मैं पहले वॉच को ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद ये मेरे को देख पाएंगे और मेरे को तभी ये सच बोलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं बोलने वाले, सोचेंगे भूत तो नहीं आ गए हमारे लैब में, क्योंकि भाई पता नहीं कितने बंदों को मारते होंगे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, और वो बेचारे हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली होता है, बहुत बार फेल भी हो जाता है, तो बंदे मर भी जाते हैं, तो ये सोचेंगे कभी किसी बंदे का भूत तो नहीं आ गया बदला लेने के चक्कर में, तो पता कर लेता हूँ। हेलो भाई ये जरा पीछे घूमो, भाई ये है हमारे चाचा न्यूटन, तो इनसे मैं बातें कर लेता हूँ। चाचा जी फटाफट से देखो, प्यार से पूछूंगा, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप जिसके लिए काम कर रहे हो करो, आपको पैसे मिलते हैं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, मेरे को बताओ कहाँ पे रिसर्च के पेपर है, कहाँ पे वो सारी फाइलें छुपा करके रखी हुई है, यहाँ पर है तो मेरे को दे दो, कैसे आप लोगों ने बनाया है उन सभी को, वो जो एवेंजर्स एक्स की टीम आप लोगों ने बनाई है ना, क्या क्या उनके अंदर डाला है, बस मेरे को यही जानना है, प्यार से मेरे को बता दो, मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। भाई मैंने न्यूटन चाचा से बातें करी, न्यूटन चाचा मेरे को बोल रहे हैं ट्रेवर भाई मेरे पास रिसर्च के पेपर नहीं है, इसलिए आप एक काम करो मैं आपको एक बेस के बारे में बताता हूँ, वहां पे आपको जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे चाचा मैं निकलता हूँ, तो इन्होंने मेरे को सारी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इन्होंने मेरे को बोला है आपको याद होगा मैंने शैतान के बोस को एंड करा था जाकर के एक जगह पे, और वहां पे वो नकली बंदा मिला था, उसी बेस पे बहुत अजीब तरीके से वो बंदों को मारते हैं, तो भाई उसी बेस पे मेरे को अभी जाना, ये बोल रहा है कि तो अपनी सारी सीक्रेट चीजें ना हमारे मैरी वेदर का बोस उस शैतान वाले बेस पे रखता है, तो आप जाकर के वहीं से लेकर के आ जाइए, उसी ऑफिस में ना आपको फाइलें मिल जाएंगी। तो भाई चलो फटाफट से निकलता हूँ, देखते हैं इसकी बातों में कितना दम है। वैसे न्यूटन यार मेरे को लगता है सच बोल रहा है बंदा, और दिमागदार भी है यार, वैसे इसको अपनी टीम में लेना सोचूंगा बाद में, अगर ये बंदा लॉयल निकला इसकी बातें सच्ची निकली तो। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, आप लोगों की जगह याद आ रही होगी, गाड़ी मैंने ऊपर की तरफ ही खड़ी कर दी है, मैं नीचे की तरफ आ चुका हूँ। फिलहाल मेरे को वैसे फ्रंट पे कोई बंदे दिखाई नहीं दिए, लास्ट टाइम वैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मार दिया था, देखते अब की और बंदे आए हैं नहीं आए, वैसे कुछ बंदे होने जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े रिसर्च के पेपर्स होने वाले, अगर यहाँ पे बंदे नहीं हुए
तो फिर कैसे काम चलने वाला? नहीं भाई, बंदे तो हैं और मेरे को सामने दिख भी गए हैं, पत्थरों के ऊपर बंदे खड़े हुए हैं। ट्रेलर भाई गन निकाल ले। वैसे यार अब की बार अच्छी बात यह है नीचे की तरफ बंदे नहीं है, नहीं तो पहले नीचे की तरफ भी बहुत सारे बंदे थे, सिर्फ ऊपर की तरफ ही खड़े हुए। इसका मतलब ऑफिस में जरूर रिसर्च पेपर मेरे हिसाब से तो है। तो यार ये वाली जगह आपको याद ही है, कितनी घटिया ही जगह है। मैंने उस बॉस को मार के काफी अच्छा काम कर दिया, क्योंकि भाई उस बॉस ने परेशान करके रखा था मेरे भाई। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, लेट मत करो, बहुत ही ज्यादा मारूंगा। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, जल्दी आ जाओ। ओके ले मेरे चाचा, गोली खा लो। अच्छा जी आप भी गोली खाओ। ओके ये भी खत्म, खत्म हो गए ना बंदे। यार इतने से बंदे थे बस, कमाल हो गया। आज तो काफी कम बंदे सिक्योरिटी के लगा के रखे हैं। तो भाई अभी ऊपर जा करके देखता हूँ, कुछ बंदे तो अभी भी है, मेरे को आवाज आई है, बंदे अभी भी शोर मचा रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ही बंदे हैं, उनको तो आराम से मार लेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मेरे भाई जल्दी से सामने की तरफ आ जा, लेट मत कर, कहाँ पे कवर लेके बैठा है। ओके भाई ये बंदा खत्म, और कौन है? आ जा चाचा जल्दी से, है और कोई? तो भाई अभी भी बंदे हैं, मतलब कितने ढीठ बंदे हैं, इनको दिखता नहीं, इनके साथ ही मर चुके हैं। और भाई तुम भी मर सकते हो, तो भाग जाओ यहाँ से। नहीं भागेंगे, ये बहुत कमाल के बंदे हैं, ये नहीं भागने वाले। तो फिलहाल भाई मेरे को लगता है अब तो मर गई ना, ये अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। भाई अभी भी जिंदा है, इसको देखो चाचा को। चाचा इधर देख, इधर पीछे कहाँ जा रहा है? भाई मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना टेबल पे बहुत सारे पेपर्स भी रखे हुए हैं, और एक छोटा सा बॉक्स भी रखा हुआ है। मेरे को लगता है भाई यही सारे सारे रिसर्च के पेपर है, इसका मतलब न्यूटन ने झूठ मेरे को नहीं बोला। सारी चीजें फटाफट से उठा लेता हूँ, और सीधा सबसे पहले तो मैं निकलता हूँ गैरेज में। मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है टेस्टर जी और डॉक्टर सोंग वहीं पर पहुंच गए होंगे, वैसे पहुंचना तो चाहिए, काफी टाइम पहले उनको मैंने फोन करा था। तो मैं भी निकलता हूँ उसी गैरेज में जहाँ पे वो दोनों मेरा वेट कर रहे होंगे। तो फटाफट से सारा सामान उठा के पहुंचता हूँ, और बोलूंगा भाई जल्दी से बनाओ, जितना जल्दी हो सके, लेट बिल्कुल मत करना। पढ़ो रिसर्च के पेपर्स को, और देखते हैं भाई क्या मेरे को बंदे बोलने वाले। निकलता हूँ जल्दी से वहीं पर। भाई मैं गैरेज में पहुंच चुका हूँ, और मेरे दोनों प्यारे भाई आराम से मेरे पे वेट कर रहे थे। मैंने दोनों को पेपर्स दे दिए, टेबल पे रख दिया सारा सामान। अभी दोनों के दोनों भाई चेक करने में लग रहे हैं, मेरे को बोल रहे ड्राइवर थोड़ा वेट करो और बताता हूँ मैं तुम्हें कि आखिर हमें क्या पता चलता है। देखते हैं भाई अभी पेपर्स को पढ़ के क्या मेरे को बताने वाले हैं। कुछ सामान की मेरे को जरूरत पड़ेगी तो वो लेकर के तो भाई देखो आना ही पड़ेगा, ये तो सिर्फ पेपर्स है, सामान भी तो लाना ही है ना। कि आखिर क्या क्या चीजें मिला करके वो सारी चीजें बनाएंगे, जिससे फिर हमारे प्यारे भाई खतरनाक बन जाएंगे। भाई पूरी 15 मिनट हो चुकी है, दोनों के दोनों चाचा आ चुके हैं, और मेरे को बोल रहे ड्राइवर भाई यार समझ में नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ी अजीब तरीके से लिखा हुआ है, कुछ कोड में लिखा हुआ है, बंदों ने साफ साफ बिल्कुल नहीं लिखा हुआ क्या क्या चीज़ को मिक्स करके क्या चीज़ बनानी है, समझ में नहीं आ रहा। ड्राइवर हमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 या 15 दिन तो लगने वाले हैं, उसी के बाद हम रिसर्च को स्टार्ट करेंगे और फिर बनाएंगे तुम्हें जो भी चाहिए। भाई ये बंदे तो मेरे को मनवा देंगे, 10 या 15 दिन बोल रहे हैं भाई, इतने में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्पीडमैन और बाकी बंदे आपने देखा ना कितनी पावर से, मेरे भाई पागल हो गए हो गए दोनों के दोनों। तो एक काम करता हूँ भाई, मैं तो सोच रहा था यार ये हमारे बंदे बड़े टैलेंटेड है तो टैलेंटेड, बट भाई रिसर्च के पेपर कुछ इस हिसाब से दोनों पढ़ नहीं पा रहे, तो अभी हमें न्यूटन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई न्यूटन ही अभी हेल्प करेगा। मैंने सोचा नहीं था यार उसकी हेल्प लूँगा, दुश्मन पार्टी का बंदा है, तो अभी भाई उसको बुलाता हूँ मैं। अच्छा हो मैं उसका नंबर लेकर के आ गया था इमरजेंसी के लिए, फ़ोन मिलाता और पूछता हूँ भाई जहाँ पर भी है तुरंत मेरी लोकेशन पे आ जा, तो उससे बहुत ज़रूरी काम करवा रहा। चलो यार उसी से काम करवा लेते हैं। भाई मैंने न्यूटन का फ़ोन ट्राई करा, स्विच ऑफ आ रहा यार, ऐसा क्यों? ये बंदे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, कभी ये पेपर्स नकली हो इसीलिए बंदे ना पढ़ पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं टेरी को फोन करके बोलता हूँ, टेरी एक काम कर यार, मैं ह्यूमन लैब में न्यूटन से मिल करके आया था, और न्यूटन को तो फिर देख वो कहाँ पे गया लैब से निकल के, तो मेरे को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को लगता है बंदे ने धोखा करा है। भाई टेरी का फोन आ चुका है, टेरी ने चेक करा हमारे प्यार न्यूटन जी को कि वो लैब से निकल के कहाँ गए हैं। हमारे लैब से निकल के ना बंदे एक पार्टी में गए हैं, शायद से आज उनके फ्रेंड की पार्टी है तो वहीं पे गए हुए भाई, इसलिए उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है, ऐसा टेरी का कहना है। चलो ठीक है भाई, पहुंचता हूँ बंदे की पार्टी में। चलो अच्छी बात है यार, हमारे प्यारे साइंटिस्ट पार्टी भी करते हैं, वहां पे जाकर के उनसे बोलूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ आइए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है मेरी वेदर के बोस से, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसको। भाई मनाना तो पड़ेगा ना। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो यहीं पे भाई पार्टी होने में लग रही है। सही है भाई, कोई खतरनाक सी पार्टी मेरे को लग रही है, बहुत ज्यादा बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। अभी जाकर के अंदर बात करता हूँ, पार्किंग में तो मेन गेट पर ही करूंगा, हमारी गाड़ी किसी से कम नहीं है भाई, फरारी है वो भी 2021 वाली, सबसे लेटेस्ट न्यू मॉडल है, तो हमारी गाड़ी तो सबसे अच्छी यहाँ पे होने ही वाली है। वैसे बंदे काफी कम आए हैं अभी, क्योंकि भाई दिन का टाइम होके रखा हुआ है, अब हर एक बंदे को दिन में टाइम नहीं लगने वाला। न्यूटन ने कैसे टाइम निकाल लिया, इसका मतलब कोई ज्यादा जानने वाले बंदे की पार्टी है तभी तो आ गया, नहीं तो भाई दूसरे की पार्टी में वो भी दिन के टाइम में एक साइंटिस्ट बंदा कैसे टाइम निकालेगा। बट बंदे ने टाइम निकाला और यहाँ पे आया, तो अभी देखता हूँ कहाँ पे हमारा प्यारा साइंटिस्ट है। यार फिलहाल तो मेरे को दूर से दिख जाना चाहिए था बंदे, क्योंकि उसके कपड़े अलग ही होने वाले हैं, बट क्या पता यहाँ पे कपड़े चेंज करके आया, ऐसा हो सकता है। बंदे तो यहाँ पे काफी है, कुछ आंटियाँ नाचने में लग रही है, पीछे वाले को जाकर के चेक कर लेता हूँ, देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा न्यूटन होने वाला है। हेलो न्यूटन भैया जी, क्या हाल चाल है? अरे भाई यहाँ पे न्यूटन है ही नहीं,
कहाँ पर है? गड़बड़ है दया, ये खबर गलत तो नहीं है? आगे वाले बंदों से बातें करता हूँ, ये जो चाचा यहाँ पे खड़ा हुआ है पानी पीने के चक्कर में, इसी से बात करता हूँ कि आखिर न्यूटन चाचा कहाँ पे चले गए। भाई मैंने बंदे से बात कर ली, ये मेरे को बोल रहा है ट्रेवर भाई न्यूटन जी की ना थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही थी, वो बोल रहे थे कि मेरे को बहुत थकान हो रही है, तो भाई मैं बस जा रहा हूँ पार्टी वापस। वो बस यहाँ पे 5-10 मिनट रुके और वापस चले गए अपने घर पर। मैंने इससे घर का एड्रेस ले लिया, चलो भाई बंदे घर पर ही जाता हूँ। भाई मैं अपने न्यूटन भैया के घर पर पहुंच चुका हूँ और घर देख के मेरे को काफी छोटा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मेरी वेदर वाला बॉस इनको सैलरी नहीं देता, इतना छोटा घर है बेचारे का यार। यहीं पे देखो बंदे का बेड लगा के रखा है, यहीं पे बंदे ने किचन बना ली है और बस और कुछ है ही नहीं भाई घर में। बड़ा कंजूस है मेरी वेदर का बॉस, मेरे को लगता है इनको सैलरी नहीं देता। कोई बात नहीं भाई, तो ये बंदा अपनी टीम में आ सकता है, बट भाई चलो वो तो बाद की बात है। यहाँ पे बंदा क्यों नहीं है यार? उसने बोला तो घर पे गया रेस्ट करने के लिए। अब कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भाई, अब तो गड़बड़ है, अब टेरी काम में आएगा। टेरी भाई मेरे को बता, पार्टी से वो बंदा कहाँ पे गया है? पार्टी वाले बंदे बोल रहे हो, बोल रहा था घर पे जा रहा है, वो थक चुका है सोना चाहता है। भाई टेरी से बात हो चुकी है, टेरी का फोन आ चुका है, मेरा शक यकीन में बदल चुका है। उसको भाई कुछ बंदों ने किडनैप कर लिया, बेचारा पार्टी से घर पर ही आ रहा था और बंदे उसको उठा करके ले करके चले गए। मुझे ऐसा लगता है भाई, क्या पता मेरी वेदर वाले बॉस को पता चल गया होगा कि ट्रेवर ना न्यूटन को ढूंढ रहा है और उससे अपना काम निकलवाना चाहता है, क्या पता न्यूटन उसके लिए बंदों को बना दे। इसी बात का शायद उसका डर है, इसलिए उसने उसको किडनैप करवा दिया ताकि मेरे को न्यूटन ना मिल पाए और भाई उसको मारने की सुपारी दे के रखी होगी। रास्ते में सी उसको गाड़ी में सी किडनैप कर लिया बंदों ने, अभी पता नहीं कहाँ पे मेरे को मिला का। टेरी भाई ट्राई कर रहा है उसको ढूंढने का। भाई टेरी का फोन आ चुका है, उसने पता लगा लिया न्यूटन को कहाँ पे रखा हुआ है। बहुत अजीब सी वो जगह है, बट हमने ढूंढ निकाला और एक ट्रेन के डब्बे में उसको बंद करके रखा हुआ है। न्यूटन को देखो साइंटिस्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं, और टेरी मेरे को बोल रहा है ना तो बाला वाले बंदे हैं ना ही लोस्ट वाले बंदे हैं, वो तो खैर अब कैसे काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ में कोई भी हमारी ऐसी टीम नहीं जिसको हम जानते हो और उनसे लड़ाई हमारी होती रहती हो, कुछ अलग ही गैंग है भाई, ऐसा मेरे को टेरी बोल रहा है। तो फटाफट से पूछता हूँ, हमने तो देखा अगर कौन सी नई गैंग पकड़ ली मेरी वेदर के बॉस ने जिससे अपने काम निकलवा रहा है। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, टेरी के हिसाब से यहीं पर कहीं पर वो गैंग है जो हमारे साइंटिस्ट को लेकर के बैठी हुई है। ओके भाई मेरे को गैंग दिख चुकी है और ये गैंग के कपड़े तो भाई मेरे को काफी अलग लग रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं भाई, यही मेरे को बताने वाले कि आखिर ये कौन सी वाली गैंग के बंदे हैं, कितने पैसे इनको मिल करके रखे साइंटिस्ट को मारने के लिए। वाह भाई वाह, कैसे अलर्ट खड़े हुए चाचा जी, क्या हाल चाल है? ड्राइवर तुम्हें दिखाई नहीं दिया, कमाल के बंदे हो, गाड़ियां काफी अच्छी लेकर के आए हो भाई, मुझे तुम्हारी गाड़ियां बहुत ही अच्छी लगी है। एक गैंग होकर के आप लोग इतनी अच्छी कार चलाते हो, बहुत सही है, बहुत सही जा रहे हो। और भाई वेपन्स देखो कितने सारे दे के रखे, ये सारा मेरी वेदर का माल है, लूट लो भाई जितना लूट लो, इतने पैसे कंपनी के पास अपने भाई के बदले के चक्कर में पता नहीं क्या क्या और करके रहेगा। अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा ये बंदा इतना पागल कैसे हो सकता है भाई बदले के चक्कर में। एक हद तक बंदा पागल होता है, बट ये तो अनलिमिटेड पागल होके रखा हुआ है भाई, कोई हद ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर रहा है बंदा, कभी सुपर हीरो बना रहा है, कभी ग्रैनी को लेकर के आ रहा है। बस ड्राइवर मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ड्राइवर मरना चाहिए। हलवा बट रहा है ना, ड्राइवर नहीं मरेगा, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। ये ले चाचा, ले 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 ले, गोली लगने वाली है ना, कैची लगी, आया मजा। कौन से गैंग के बंदे हो भाई, मेरे को बताओ तो सही, आप लोग तो नए आए हो मार्केट में। भाई शॉटगन आ चुकी है मेरी प्यारी प्यारी गाड़ियों, सो सॉरी। अरे देखो चाचा को लग गई, चाचा कैसी लगी? अरे मेरे प्यारे वेपन का डब्बो, ये नहीं उड़ रहे भाई, ये तो कमाल के है, सिर्फ गाड़ियों में असर हो रहा है। निकल ले मेरी प्यारी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ियों, जाओ 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 जाओ, बंदों को मारो। और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कैसे जा रही है भाई? सच में गाड़ियों का तो इतना बुरा सिस्टम हो जाता है, इसको लग गई 2 बार। बस भाई अभी ज्यादा नहीं मारता क्योंकि ना यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट भी है, आराम से अभी काम लेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट को अगर गलती से गोली लग गई तो जिसके चक्कर में इतनी तबाही होकर रखी है ना वो ही मर जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। लगता है भाई सारे के सारे बंदे मर चुके हैं, बड़ी शांति से हो गई है, अगर बचे होंगे तो 2-3 बंदे ही बचे होंगे। साइंटिस्ट भाई, न्यूटन भैया कहाँ पर हो? देखो मैं आ चुका आपको बचाने के लिए, बोल रहे थे ट्रेन के डब्बे के पास। ओके भाई मेरे को हमारा साइंटिस्ट मिल चुका है, मार तो नहीं दिया साइंटिस्ट। न्यूटन भैया देखो मैं आ गया बचाने के लिए, इसकी भाई सांसें चेक करता हूँ, चल रही है ही नहीं चल रही, कोई ना कोई तो जिंदा है, पहले उसको खत्म कर लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ भाई इसमें दम है नहीं है। वैसे भाई मैंने चेक करा, बंदे में सांसें हैं, पीट पीट के इसके अंदर बेहोश करके रखा है बंदों ने, इसको अभी तक मारा नहीं है। लगता है मैं टाइम पर पहुंच गया, इसको जल्दी से उठा के गैरेज में लेकर के चलता हूँ और इसको समझाता हूँ कि देखो आपको आपका बॉस मारना सोच रहा है, क्या फायदा ऐसे बॉस के लिए काम करने से, हमारी टीम में आ जाओ, हमारे लिए काम करो ना, जो चाहोगे उतने पैसे मिलेंगे, आराम से काम करो मस्त तरीके से। तो देखते हैं भाई बंदा मानेगा ही नहीं मानेगा, इसको फटाफट से उठा के गाड़ी में डालता हूँ। भाई हमारे प्यारे न्यूटन जी को मैं लेकर के आ चुका हूँ और इनको सारी बातें बोली, बोल रहे ड्राइवर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मेरे को सब बता देता बंदों ने कि मेरे बॉस ने मेरे को मरवाने के लिए भेजा है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा, जो तुम बोल रहे हो मैं सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूँ और तुमने मेरे को अपनी टीम में ले लिया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए काम करने वाला हूँ। समझदार बंदा यार, ठीक है मेरे प्यारे चाचा, अभी मेरे को फटाफट से बोलो किस किस सामान की जरूरत है,
बस बताओ भाई और कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जल्दी पूरा करो एक्सपेरिमेंट, इतना टाइम नहीं है। भाई मैंने चाचा से बातें कर ली, चाचा मेरे को बोल रहे ट्रेवल टेंशन मत लो, मैं कुछ अपने जानने वाले बंदों को फोन करके सामान सारा मंगवा लूंगा, ह्यूमन लैब से सारा सामान मिल जाएगा, मेरे को सब कुछ पता है क्या क्या चीजें हमें यूज करनी है, वो सामान मेरे को सब पता है, वो आ जाएगा, बस तुम कोई बंदे की तलाश करो किसके ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे। देखो मैं तुम्हें पहले एक बात बता देता हूँ, 99% इसके चांसेस होते हैं कि बंदा मरेगा और सिर्फ 1% चांस होते हैं कि बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। इसलिए ट्रेवर सोच के बंदे को लेकर के आना, और मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम अपनी फैमिली वाले को और जानने वाले के ऊपर इसको मत करवाओ, क्योंकि अगर तुम अपने जानने वाले फैमिली वाले के ऊपर करवाओगे तो वो मर सकता है, क्योंकि सिर्फ 1% जीने के चांसेस है, 99% बंदा मरेगा ही। अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, इसका मतलब वो एवेंजर एक्स जो है वो बड़े लकी बंदे हैं चारों के चारों जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, नहीं तो अब तक किसी के ऊपर नहीं हुआ। अरे यार ये तो बड़ी कमाल की बात बता दी मेरे को डॉक्टर ने, तो एक काम कर तो भाई कोई रैंडम बंदा पकड़ ले शहर का, उसको पैसे वैसे दे देंगे, उसके अंदर चिप लगवा के अपना काम करवा लेंगे, ये सही रहेगा। आपको पता है हमारे पास चिप बहुत सारी है, सर में चिप डाल देंगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। डॉक्टर क्या किसी रैंडम बंदे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? उसके अंदर माइंड कंट्रोल की चिप डाल देंगे, उसको रोबोट बना के रखेंगे अपना और उस सबने काम करवाएंगे। बोलो अगर ऐसा हो सकता है तो बताओ, मैं अभी जाके पकड़ के लेके आता हूँ बाहर से बंदों को। तो भाई डॉक्टर मेरे को बोल रहे कि हाँ ट्रेवर हो सकता है, बट मैं तुम्हारे साथ चलूंगा देखने के लिए बंदा, क्योंकि मैं देखते समझ जाऊंगा इस बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। तो ठीक है भाई, आप एक काम करो, मैं आपको फोन कर दूंगा जब भी मेरे को बंदे मिल जाएंगे। तो भाई बंदे ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, मैं जाता हूँ अभी लाइफ इन्वर्टर कंपनी और वहाँ पे एड पोस्ट करवाता हूँ कि मेरे को भाई कुछ बंदे चाहिए जिनके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। भाई देखो साफ साफ एड में मैं सारी चीज़ें लिखूंगा, मैं नहीं चाहता किसी की भाई जिंदगी खराब हो जाए, उसको पहले बता दिया जाएगा कि भाई देखो मरने के चांसेस है, बट आपको $100 million मिलेंगे। भाई मैं लाइफ इन्वर्टर पर पहुंच चुका हूँ, ट्रेवर भाई फटाफट चल और भाई थोड़ा फास्ट वाला एड पोस्ट करवाऊंगा। हर बार तो आधा घंटा लेते हैं, कभी कभी भाई फास्ट एड की सर्विस भी होती है इनके पास, तो मैं वही वाला करवाऊंगा ताकि जितनी जल्दी हो सके पूरे शहर पास ये खबर पहुंच जाए और पहले ही सारी चीजें लिखूंगा। भाई ऐसा ना हो बंदे टाइम पास करने के लिए आ जाए, वैसे आएंगे आपको पता है बहुत से बंदे आते हैं टाइम पास के लिए भी, बट भाई मैं उसमें ऐसी चीजें लिखवाऊंगा ताकि काम के ही बंदे आए और हमें कोई काम का बंदा मिल जाए जो एक्सपेरिमेंट भाई करवाए और उसके ऊपर सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो। चाचा फटाफट से मेरी बातें सुनो और ऐड पोस्ट करो, लेट मत करो। भाई मैंने बंदों को सारी बातें बोल दी, ये बोल रहे ठीक है ट्रेवर भाई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ 10 ही मिनट में आपका ऐड लाइव हो जाएगा और देखते हैं भाई कितने बंदे आने वाले। तो एक काम करता हूँ 10 मिनट तो भाई मेरे को पहुंचने में भी लग जाएगी, मैं सीधा निकलता हूँ, लेस्टर की फैक्ट्री है, मैंने फिर से लेस्टर की फैक्ट्री का ही एड्रेस दिया है। आपको याद है लास्ट टाइम पे जब मैं डोगी का एड पोस्ट करवाया था मैंने, तो मैंने वहीं का एड्रेस दिया था और इतने सारे बंदे आ गए थे लाइन लगा करके, तो अब की बार देखते हैं भाई कितने बंदे आने वाले हैं। भाई मैं लेस्टर की फैक्ट्री पर पहुंच चुका हूँ और मेरे को लगता है एड पोस्ट हो गया, बंदे पहुंच भी गए इतनी जल्दी में, इन्होंने ऐड गलत तो नहीं पढ़ लिया, मैंने बोला था 99% मरने के चांसेस है 1% सक्सेस होने के चांसेस है, एक उल्टा पढ़ के तो नहीं आ गए कि 99 सक्सेस रेट है और 1% फेल हो सकता है। देखो कितने सारे बंदे आ गए, हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मरने से डरते नहीं हो क्या? सही है भाई, मेरे को क्या दिक्कत होने वाली है, बट अभी देखना ये है इनमें से कौन से बंदे को सिलेक्ट करेंगे हमारे साइंटिस्ट। एक काम करता हूँ अपने न्यूटन को फोन कर देता हूँ फटाफट से, न्यूटन भैया आ जाओ लेस्टर की फैक्ट्री में, तुम भी बंदों को देख लो और देखो भाई इनमें से कौन सा परफेक्ट बंदा हो सकता है हमारे लिए जो सुपर हीरो बने। भाई मैंने साइंटिस्ट को फोन कर दिया, वो आने ही वाले हैं। भाई सामने देखो अपना प्यारा डॉगी बैठा हुआ है और साइड में चाचा खड़े हुए हैं, मेरे को लगता है भाई ये चाचा फिर से अपने डोगी को लेकर के आ चुका है। लास्ट टाइम जब डोगी भाई मिस हो गया था तो बहुत सारे बंदे डोगी लेकर के आए थे फेक कॉपी बना करके, तो ये फिर से लेकर के आ गए, मेरा डोगी नहीं है, होता तो मेरे पास आता ना, चाचा के पास क्यों बैठा रहता। एक बार चाचा का चेहरा देख रहे थे, वही वाले है क्या? वाह भाई वाह, ये चाचा फिर से आ गया भाई, अभी पता नहीं क्यों आया, चलो जब इनका नंबर आएगा तब बात करूंगा। और देखो यहाँ पे इनका डोगी कैसे मजे ले रहा है, मेरे प्यारे भाई क्या हाल चाल है, लगता है ये भी घूमने के लिए आया होगा, इसने सोचा चाचा ने कि चलो इसको लेकर के चलता हूँ, घर पे बोर होएगा इसको घुमा के ले आऊंगा, ये चाचा नहीं सुधरेगा भाई सोच के चलो। अगर ये चाचा यहाँ पे सुपरमैन बनने के लिए आया होगा, मतलब इसको पावर्स चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे क्या? अगर इसके अंदर पावर्स आ भी गई तो इसको हम बोलेंगे सुपर चाचा। कमाल करते हो यार, मतलब सुपरमैन बनना आपको ऐसी उम्र में जाकर के। तो यार थोड़ा सा वेट कर लेते, जैसे साइंटिस्ट आएंगे करते फिर काम शुरू सारा का सारा। भाई अपने प्यारे साइंटिस्ट आ चुके हैं, अभी जल्दी से नंबर लगाते हैं बंदों का। आजा भाई फटाफट से आगे आजा और बता अपने बारे में, देखते हैं भाई क्या बोलने वाला है। भाई बंदा आगे की तरफ आ चुका है, तो साइंटिस्ट मेरे को बोल रहे हैं ट्रेवर ये नहीं चल पाएगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बंदा शायद से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि इतनी सारी सुइयां जाएंगी इसके शरीर में, हर एक जगह पे भाई इंजेक्शन लगेंगे पूरी बॉडी में, तो शायद से बंदा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर सकता है। तो ट्रेवर मैं तो कहता हूँ इसको नहीं लेते हैं। तो ठीक है मेरे प्यार भाई, आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया हमारे साइंटिस्ट ने, आप जा सकते हो। ठीक है भाई, भाई अगला बंदा आ चुका है, मतलब यार हमारे शहर में नमूनों की कमी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो ये नमूना आगे बोलता है ट्रेवर भाई शूटिंग कहाँ पे चल रही है, मैंने अभी पढ़ा एड में आप सुपरमैन बना रहे हो, मेरे को शूटिंग देखनी है कैमरा कहाँ पर है। देख लो भाई, मतलब सच में नमूने मैंने देखे, इससे बड़ा मैंने कभी नहीं देखा नमूना। अरे मेरे प्यारे भाई शूटिंग नहीं चल रही, अच्छा ठीक है भाई चल रही है शूटिंग, तो एक काम कर थिएटर में जाना, 2 महीने बाद पिक्चर लग जाएगी, वहां पे जाकर के देख लेना।
शूटिंग चल रही है सुपरमैन की, पिक्चर देखने के लिए आया है। एड ठीक से पढ़ लिया अगर भाई, ठीक है जा अभी। सच में भाई कुछ भी बंदे आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं आकर के। भाई अगला बंदा आ चुका है, अगला बंदा मेरे को बोल रहा है ट्रेलर भाई मैंने 70 से ऊपर मर्डर करके रखे हुए, ये पावर अगर मेरे पास आ जाएगी तो मैं काफी पावर वाला बंदा बन जाऊंगा और मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा। ट्रेलर भाई मेरे को मर्डर करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अपने मुंह से अपने भाई क्राइम्स मेरे को बता रहा है। तो ये बंदा यहाँ पे सिर्फ पावर के चक्कर में आया है, पावर मिलने के बाद ये मेरे को धोखा देगा मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। चिप भी लग जाएगी ना तब भी ये बंदा कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे बंदे को मैं बिल्कुल भी ऐसी शक्ति नहीं दे सकता। इसका मतलब इसको पावरफुल बनना है ताकि ये और भी ज्यादा मर्डर कर सके और बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सके। ठीक है भाई तो जा मैं। तो भाई फाइनली चाचा जी आ चुके डॉगी को लेकर के। हेलो भाई क्या हाल चाल है तेरे, जो ये ओनर है ना बड़े ही डुप्लीकेट वाले बंदे, मतलब तेरे को ऐसा बना के रखा हुआ है कोई फर्क नहीं कर सकता यार कि ये मेरे वाला डोगी है चाचा का डोगी है, बिल्कुल सेम डिट्टो बना के रखा है चाचा। सच में यार कमाल के हो। अच्छा बताओ यहाँ पे आना क्यों हुआ बोलो मेरे को। भाई चाचा मेरे को बोलते हैं ड्राइवर मेरे को सुपरमैन बनना है, मेरे को पावर्स दे दे भाई मैं उड़ता फिरूंगा। ठीक है चाचा जी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, दर्द मर जाओगे, यही काम था तो ठीक है आपको हमने रिजेक्ट करा आप जा सकते हो। भाई चाचा मेरे को बोल रहे कि ट्रेयर भाई प्लीज यार चलो सुपरमैन नहीं बनाना तो इसको खरीद लो, मैं इसका खर्चा नहीं उठा पा रहा, ये इतना खाता है इतना बड़ा भुक्कड़ है, खा खा के इसने सारा खाना खा लिया, मैं इसका खर्चा नहीं उठा पा रहा, इसको आप ले लो नहीं तो मैं इसको गली में छोड़ दूंगा। भाई बड़ा कमाल का चाचा है। अरे भाई मेरे पास ऑलरेडी है चाचा, टेंशन मत लो पैसे दिलवा दूंगा आपको, इसको अच्छे से खिलाना। भाई फाइनली चाचा जा चुके हैं, बड़ी मुश्किल से उनको भेजा यार, जबरदस्ती से उनको बस में बैठा कर गए, दो मेरे चोर मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। साइंटिस्ट भाई एक बात सुनो यार, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे मेरे को। भाई मैंने अपने साइंटिस्ट को एक बात बोली, मैंने इनको बोला कि क्या आप ये एक्सपेरिमेंट एक रोबोट के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि यार इंसान अजीब से है यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये बंदे धोखा भी दे सकते हैं। रोबोट हमारा अर्नोल्ड है, मैंने अर्नोल्ड की बात इनसे करी तो ये बोल रहे ट्रेलर भाई मैंने आज तक कभी ट्राई तो नहीं करा, बट ट्राई करके देख सकता हूँ क्या पता काम कर जाए, तो भाई फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई पहले यही ट्राई करते हैं, बाद में बंदे तो यहीं पे रहेंगे, बाद में इनसे आकर के बातें कर लेंगे। तो मैं अभी अपने खास रोबोट को फोन करके बुलाता हूँ, उसका नाम अर्नोल्ड है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करो, अगर पास हो गए तो मजे आ जाएंगे ना, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो गई तो रोबोट है भाई उसको दोबारा से ठीक कर लेंगे, वो कौन सा मरने वाला है। ये मेरे को चीज ठीक लग रही है। भाई हम लोग गैरेज में पहुंच चुके हैं और हमारे प्यारे न्यूटन जी ने काम भी करना शुरू कर दिया, अर्नोल्ड तो आराम से खड़ा हो चुका है, मैंने उसको सारी बात समझा दी। अर्नोल्ड भाई देख तू टेंशन मत ले, ये कोई बंधन है भाई, इसके ऊपर अगर रिएक्शन भी हुआ तो ये नहीं मरने वाला, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो गई मशीन है इसको दोबारा से हम ठीक कर देंगे। तो देखते हैं अभी इसके ऊपर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा नहीं होगा, काश यार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, एक तो ये रोबोट और ऊपर से सुपर रोबोट बन जाएगा, फिर ये मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि इसके अंदर ऐसी पावर्स आ गई ना फिर तो मजे मजे। वैसे हमारा भाई लगा तो हुआ है काम पे और हमारे दोनों चाचा आराम से मजे लेके देख रहे हैं कि देखते हैं भाई न्यूटन क्या करने वाले। तो भाई न्यूटन जी ने मेरे को बोला ट्रेवल कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, आराम से तुम चाहो तो कहीं पे घूम करके आ सकते हो। तो भाई मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो आराम से यहीं पे खड़ा होकर पूरा देखूंगा कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिलहाल तो भाई वेल्डिंग करने में लग रहा है, पता नहीं बॉडी को काट रहा है या फिर कुछ कर रहा है, वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इसको सारी चीजें करने दो और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है 3 या 4 घंटे के बाद। बस काश यार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। भाई 4 घंटे हो चुके हैं, अभी भी मेरे को न्यूटन जी बोल रहे हैं ट्रेवर बस थोड़ा टाइम और दो, सारी चीजें हो चुकी है। देखो भाई कहाँ पे हमारे अर्नोल्ड को लटका के रखा हुआ है, बोल रहे हैं कि सारी चीजें हो चुकी है, बस अभी देखते हैं कितनी देर में होश में आएगा, क्योंकि भाई फिलहाल अभी टर्मिनेटर हमारे ये होश में नहीं है, मतलब कि बंद पड़ा हुआ है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो थोड़ी देर में भाई ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये स्टार्ट नहीं होने वाला, इसको हम दोबारा से फिर हमें या तो इसको बनाना पड़ेगा। भाई फाइनली 20 मिनट के बाद अर्नोल्ड स्टार्ट हो चुका है, मैंने साइंटिस्ट से पूछा कि ये ऐसे कैसे खड़ा होकर रखा हुआ है, क्या हो गया इसको, तो ये मेरे को बोल रहे ट्रेवर ये अभी भी स्टार्ट हुआ है, एकदम से पूरी पावर्स नहीं आ पाएगी, तुम एक काम करो इसको बाहर लेकर के जाओ ताजी हवा में, जब बाहर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। तो ठीक है चल मेरे प्यारे भाई आप बाहर चल, बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, पहली बार इतना कमजोर मैंने इसको देखा है, एक्सपेरिमेंट हुआ है तो भाई अंदर पता नहीं क्या कैसे घूम रहा होगा। आ भाई आ अर्नोल्ड जल्दी आ, लेट मत कर, तेरे को बाहर लेकर के चलता हूँ गाड़ी में। भाई मैं अर्नोल्ड को बाहर की तरफ लेकर के आ चुका हूँ, आप देख रहे हो यार ये तो सुपर हीरो सच में कमाल का बन गया। अर्नोल्ड भाई कैसे उड़ रहा है भाई, आ रहा है ना उड़ने का मजा, अब आएगा असली मजा भाई, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, देखो उड़ने लग रहा है। मेरे भाई कैसा महसूस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, मेरे को बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। आ जाओ चल यहाँ से निकलते हैं, तो भाई इसकी पावर्स को थोड़ा टेस्ट करते हैं, अगर इसमें पावर्स कैसी कैसी है। तो फिलहाल देखते हैं भाई गाड़ी में बैठेगा ये ऐसे उड़ के चलेगा, तेरी मर्जी की बात है, तो एक काम कर उड़ के ही चल यार, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उड़ने की। फिलहाल तो अभी आराम आराम से उड़ रहा है, देखते हैं भाई इसमें ज्यादा उड़ने की पावर भी है नहीं है। ठीक है एक काम कर ग्रोव स्ट्रीट पे निकलते हैं, बाला वालों की थोड़ी सा इलाज करके आएंगे भाई, उन्हीं के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, वही ऐसे बंदे हैं जिनको पीटने में कोई नुकसान नहीं है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पे, तो यार यहाँ पे सबसे पहले ना मेरे को कुछ ग्रीन गैंग वाले बंदे मिल गए, तो चलो एक काम करते पहले ग्रीन गैंग वालों की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद बाला वाले कहीं जाने नहीं वाले। आ जा भाई तो एक काम करते हैं सबसे पहले इनसे थोड़ी सी फाइट शुरू कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई देखो कैसे खड़े हो गए, यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे आराम से। भाई अपने प्यारे प्यारे अर्नोल्ड ने काम शुरू कर दिया है, मेरे प्यारे भाई
खत्म कर, एक भी बंदे को जिंदा मत छोड़ना। अबे बड़ा बुरा पीटोगे भाई, किससे पंगा ले रहे हो पता है ना, बहुत खतरनाक आइटम है, किसी को मत छोड़ना भाई। देखो कैसे हवा मार रहा है बंदा, अरे आराम से आराम से आराम से, इसके अंदर तो बहुत सारी पावर्स आ गई भाई। लेजर मार रहा है, ये लो भाई फूंक मार के उड़ा दिया बंदों को। सही सही भाई, किसी को मत छोड़ना। ये फूंक मारने वाली पावर मेरे को बड़ी भयंकर लग रही है अर्नोल्ड की। अर्नोल्ड भाई मार मार मार, अरे चाचा क्यों पंगा ले रहा है, बहुत मारेगा मेरे प्यार अर्नोल्ड। अर्नोल्ड भाई पीछे वाले को मार भाई, अभी ये बहुत बुरा पीटेगा बंदों को। बस बस बस, तूने तो गाड़ियों को भाई तबाही मचा के रख दिए। देखो कैसे गोली मार रहा है भाई, फूंक मार मार के बंदों को उड़ा रहा है। ये चीज मेरे को सबसे मस्त लग रही है, क्या खतरनाक पावर आ गई है इसमें। वह क्या बना दिया तेरे को साइंटिस्ट ने, ये तो बड़ा भयंकर है। आजा आगे की तरफ आजा, और भी ग्रीन गैंग वाले बंदे ढीठ बंदे आ रहे हैं, इनका भी इलाज कर दे। और लेजर मार भाई, वो भाई फिर से फूंक मारना शुरू कर दिया। सही है भाई, चलो फूंक में दम है। देखो कि बार लेजर इसने मारी है, लेजर में भी काफी दम है इसकी। मेरे प्यारे प्यारे अर्नोल्ड, अब बना तो सही मायने में पूरा टर्मिनेटर, ये तो सबको पागल कर देगा पीट पीट के। पंगे ले रहा है ग्रीन गैंग वाले, पंगे तो उससे लिया कर जिससे तू जीत जाए। अब आने दो भाई दुश्मन को, हमने पावर्स देख लिया अपने प्यारे भाई की, अब आएगा असली मजा। देखता हूँ मैं किसमें कितना एकदम, कौन कितना कर लेगा। आ जाओ भाई, ये वाला वाला कैसी लगी भाई। अर्नोल्ड ने ना इनके ऊपर देखो लेजर मारने शुरू कर दी। अरे मेरे को मत मारना भाई, आराम से दुश्मन पार्टी के ऊपर मार दो तो मेरे को मारेगा भाई। को घूसा मारा, कमाल कर दिया। ए लो भाई जला दिया बंदों को इसे तो। आराम से भाई, मेरे ऊपर लेजर मत मार देना तू गलती से, कभी ट्रेवर ना जल जाए तेरी आंखों से। जब ही लेजर से काम लेता है, मस्त लेता है। फिलहाल तो फूंक मार रहा है, फिर से मारी लेजर, कमाल कर दिया। कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे भाई, फिर से फूंक मार रहा है। पहले तो आग लगाई फिर आग बुझाई, तू तो कमाल का बंदा है भाई। चल ठीक है आ जा, टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो भाई मजा आ गया पावर्स को देख करके, सच में मन खुश हो चुका है। बाकी आप बताओ आपको कैसी पावर्स लगी, कमेंट करके बताना जरूर। तो आपको हमारा ये सुपर बॉडीगार्ड कैसा लगा, अब आएगा मजा। आने दो बंदों को एवेंजर्स एक्स को, देख लेंगे हम भी किसमें कितना एकदम। अपना अर्नोल्ड अकेला आएगा और वो चारों आएंगे, देखते भाई कौन जीतने वाला है, अब होगा मुकाबला टक्कर का। तो बस मेरे भाई, ये फिलहाल इस वीडियो के ये वीडियो कैसी लगी भाई, अगर आप चैनल पर नहीं तो एक छो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करें जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो के लाइक्स का एम है 25,000, जल्दी से उसको पूरा करा दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया, उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।